नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहले से हो तो आपको पता होगा हम बायोलॉजी की चैप्टर वाइज MCQ पढ़ाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, ब्लड, विटामिन्स, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि की MCQ सीरीज कर रखी है। अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात यह आती है कि भैया आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं कंकाल तंत्र की MCQ। कंकाल तंत्र दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं, और दोस्तों कंकाल तंत्र में लगभग आपको हम 200 से लेकर के 300 क्वेश्चन क्लियर करवाने वाले हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चनों को दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ में कराया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, जो भी क्वेश्चन उठाया जाएगा उस क्वेश्चन की पूरी व्याख्या दोस्तों आपको डिटेल में करवाई जाएगी। दोस्तों अब बात यह आती है कि भैया ये जो चैप्टर वाइज MCQ सीरीज हमने जो चला रखी है ये दोस्तों किस एग्जाम के लिए है। अगर बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन दोस्तों मुख्यतः हमने जो ये बायोलॉजी चैप्टर वाइज MCQ सीरीज करवा रहे हैं ये दोस्तों रेलवे वाले बच्चों के लिए है। क्योंकि दोस्तों रेलवे में जो साइंस पूछी जाती है दोस्तों, अगर मैं ग्रुप डी की बात करूँ दोस्तों, तो लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोस्तों इन 25 क्वेश्चनों में दोस्तों लगभग 8 से 10 क्वेश्चन दोस्तों बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। और दोस्तों हमारा टारगेट है कि भैया बायोलॉजी में अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे तो 10 में से 10 ही आपको आने चाहिए। और दोस्तों हमारा ये सीरीज इस टारगेट को पूरा करने में दोस्तों लगी हुई है। अगर दोस्तों अगर आप हमारे पूरे क्वेश्चन क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वैसे के वैसे दोस्तों सारे के सारे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वैसे वैसे ही आपको याद कराता जाता हूँ दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िए और दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे कि भैया निम्न में से स्वतंत्र अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए स्टर्नम, ऑप्शन नंबर बी हायोड, ऑप्शन नंबर सी जायगोमेटिक, ऑप्शन नंबर डी लेक्राइमल। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हायोड। दोस्तों हायोड अस्थि को दोस्तों क्या कहा गया है, स्वतंत्र अस्थि कहा गया है। दोस्तों इसके पीछे की एक कहानी है कि भैया इस हायोड को स्वतंत्र अस्थि क्यों कहा गया है। दोस्तों आपको पता है कंकाल तंत्र क्या होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंकाल तंत्र मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को कंकाल तंत्र कहा जाता है। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को दोस्तों क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है। दोस्तों मानव शरीर का जो ढांचा होता है ये दोस्तों हड्डियों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है दोस्तों? हड्डियों से मिलकर के बना होता है, या फिर दोस्तों मैं लिख दूं या अस्थियों से मिलकर के बना होता है, अस्थियों से मिलकर के बना होता है। दोस्तों इस कंकाल तंत्र में सभी अस्थियां आपस में जुड़ी हुई होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। दोस्तों इस कंकाल तंत्र में सभी अस्थियां आपस में जुड़ी हुई होती है, लेकिन दोस्तों एक अपवाद है। अपवाद क्या है दोस्तों? कि भैया जो हायोड अस्थि होती है ये दोस्तों किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती। इस कारण दोस्तों इस हायोड को स्वतंत्र अस्थि कहा गया है। और दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि भैया निम्न में से स्वतंत्र अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा होगा, हायोड होगा। हायोड क्या है दोस्तों? एकमात्र स्वतंत्र अस्थि है। क्यों कहा गया है दोस्तों इसे स्वतंत्र अस्थि? क्योंकि दोस्तों ये किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती है। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार और बता देता हूं। दोस्तों हमारा जो कंकाल तंत्र होता है ये दोस्तों हड्डियों से बना एक ढांचा है। दोस्तों इस कंकाल तंत्र में जो हड्डियां होती है वो सभी हड्डियां दोस्तों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, लेकिन दोस्तों जो गले की अस्थि है हायोड ये दोस्तों किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ी हुई होने के कारण इसे दोस्तों स्वतंत्र अस्थि कहा गया है। इसे दोस्तों कौन सी अस्थि कहा गया है? इसे दोस्तों स्वतंत्र अस्थि कहा गया है। दोस्तों ये जो हायोड है ये गले में पाई जाती है,
कहाँ पाई जाती है दोस्तों, गले में पाई जाती है। इसका आकार दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। इसका आकार कैसा होता है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान दोस्तों इसका आकार होता है। जब दोस्तों व्यक्ति को फांसी दी जाती है दोस्तों, तो ये गले वाली जो अस्थि होती है दोस्तों, ये क्षतिग्रस्त होती है। ये तो दोस्तों बात हो गई हायोड की, लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए स्टर्नम की। तो दोस्तों जो स्टर्नम अस्थि है, इस अस्थि को दोस्तों सीने की अस्थि भी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों सीने में पाई जाती है। तो दोस्तों सीने की अस्थि, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया सीने की अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों सीने की अस्थि है भैया स्टर्नम। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक होती है दोस्तों गाल की अस्थि। किसकी अस्थि होती है दोस्तों, गाल की अस्थि होती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जाइगोमेटिक अस्थि है, तो दोस्तों किसकी है, गाल की है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भैया लेक्राइमल अस्थि है, तो दोस्तों लेक्राइमल अस्थि होती है आंख में। आंख की अस्थि कौन सी है दोस्तों, तो भैया आंख की अस्थि होती है लेक्राइमल। दिख तो रहा है ना आपको, हाँ आंख की अस्थि कौन सी होती है दोस्तों, लेक्राइमल है। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से आपको कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये कि भैया स्वतंत्र अस्थि होती है, तो दोस्तों स्वतंत्र अस्थि कौन सी है, हायोड है। दूसरा क्वेश्चन, ये हायोड कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, तो भैया गले में पाई जाती है। फिर मैं कहूँ दोस्तों तो गले की अस्थि कौन सी है, हायोड है। इस हायोड का आकार कैसा होता है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये है कि भैया हायोड का आकार कैसा होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान इसका आकार होता है दोस्तों, किसका, हायोड का। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि जब इंसान को फांसी दी जाती है तो कौन सी हड्डी क्षतिग्रस्त हो सकती है, क्षतिग्रस्त होती है, तो दोस्तों कौन सी हड्डी क्षतिग्रस्त होती है, तो दोस्तों ये हायोड क्षतिग्रस्त होती है। अगला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि भैया सीने की अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों सीने की अस्थि है स्टर्नम। अगला क्वेश्चन ये बनता है भैया कि गाल की अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों गाल की अस्थि है जाइगोमेटिक। अगला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि भैया आंख की अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों आंख की अस्थि है भैया लेक्राइमल। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है। तो भैया क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि कंकाल तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है। ऑप्शन नंबर ए एक्टोड्रम से, ऑप्शन नंबर बी मेजोड्रम से, ऑप्शन नंबर सी एंडोड्रम से, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मेजोड्रम से। देखिए दोस्तों प्राणी की जो प्रारंभिक अवस्था होती है दोस्तों, उसे कहा गया है भ्रूण। उसे क्या कहा गया है दोस्तों, भ्रूण कहा गया है। दोस्तों भ्रूण के ऊपर दोस्तों तीन परत पाई जाती है, एक परत, दो परत और दोस्तों तीसरी परत। सबसे बाहर वाली जो परत होती है दोस्तों, उसे तो कहा जाता है एक्टोड्रम। मध्य वाली जो परत होती है दोस्तों, इसे कहा गया है मेजोड्रम। और सबसे अंदर वाली जो परत होती है दोस्तों, इसे कहा गया है एंडोड्रम। दोस्तों इन तीन परतों से ही मानव शरीर का निर्माण होता है। दोस्तों इन्हीं तीन परतों से पूरे मानव शरीर का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भैया कंकाल तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है, तो दोस्तों कंकाल तंत्र की जो उत्पत्ति है वो दोस्तों मेजोड्रम वाले भाग से होती है। किस वाले भाग से होती है दोस्तों, मेजोड्रम वाले भाग से होती है। देखिए दोस्तों जो कंकाल तंत्र होता है, इस कंकाल तंत्र को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। अगर नंबर एक पर बात करूं दोस्तों मैं, तो दोस्तों होता है बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र। और नंबर दो पर बात करूं दोस्तों, तो नंबर दो पर है अंतः कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भैया कंकाल तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है, तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भैया बाह्य कंकाल तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है, तो दोस्तों बाह्य कंकाल तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है, तो दोस्तों बाह्य कंकाल तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोड्रम वाले भाग से होती है। किस वाले भाग से होती है दोस्तों, एक्टोड्रम वाले भाग से होती है। दोस्तों मैं यहाँ लिख ही देता हूँ किस भाग से होती है दोस्तों, तो एक्टोडर्म वाले भाग से होती है, एक्टोडर्म वाले भाग से होती है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंत्य कंकाल तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है, तो दोस्तों ये होती है भैया मेजोडर्म वाले भाग से, मेजोडर्म वाले
भाग से होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि भैया नाखून, बाल, पंख, सींग, खुर किस प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों ओसिन प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कोंड्रिन प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों केराटिन प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। भैया आपका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केराटिन प्रोटीन। तो दोस्तों नाखून, बाल, पंख, सींग, खुर दोस्तों किस प्रोटीन के बने होते हैं। दोस्तों केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। एक कहानी सुनना दोस्तों कि हमारा जो कंकाल तंत्र होता है ना दोस्तों, इस कंकाल तंत्र को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में बांटा गया है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र और एक बांटा गया है दोस्तों अंतः कंकाल तंत्र। इस बाह्य कंकाल तंत्र के भाग है दोस्तों नाखून, बाल, पंख, सींग, खुर ये सब दोस्तों किस कंकाल तंत्र के भाग है। ये सब दोस्तों बाह्य कंकाल तंत्र के भाग है। और दोस्तों जो बाह्य कंकाल तंत्र बना होता है दोस्तों ये केराटिन प्रोटीन का बना होता है। किस प्रोटीन का बना होता है दोस्तों? केराटिन प्रोटीन का बना होता है। और दोस्तों इसे मृत कंकाल भी माना गया है। इसे मृत कंकाल भी कहा जाता है। दोस्तों बात आती है कि भैया अंतः कंकाल में हम दोस्तों किन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों अंतः कंकाल में हम अस्थि यानी कि हड्डियां और दोस्तों उपास्थियों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? अस्थि और उपास्थियों के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हमारी जो हड्डी होती है, जो अस्थि होती है, इस अस्थि में दोस्तों ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। और दोस्तों जो हमारी उपास्थि होती है, इस उपास्थि में भैया कोंड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। मैं लिख देता हूँ दोस्तों, अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों? तो अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। और दोस्तों कोंड्रिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? उपास्थि में कोंड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों कल मैंने कंकाल तंत्र की मैराथन क्लास ली थी। अगर आपको कंकाल तंत्र की थ्योरी पढ़नी है तो दोस्तों आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 300 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 260 से 270, ऑप्शन नंबर सी 206 और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 306। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 206। दोस्तों वयस्क जो व्यक्ति होता है, वयस्क जो मनुष्य होता है, उसमें दोस्तों अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। लेकिन दोस्तों बात आती है कि भैया जब बच्चे का जन्म होता है अर्थात जो नवजात शिशु होता है, इस नवजात शिशु में दोस्तों अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या होती है 300 से अधिक। दोस्तों 301 भी हो सकती है, 302 भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 300 से अधिक। जब दोस्तों जो बच्चा होता है जब दोस्तों बच्चा कहने का मतलब जिसकी उम्र 5 से 8 वर्ष हो, अगर उस बच्चे की बात की जाए दोस्तों, तो उस बच्चे में अस्थियों की संख्या कितनी हो सकती है। या तो फिर दोस्तों मैं कहूं कि भैया कोई बच्चा है, उस बच्चे की उम्र 5 से 10 वर्ष है, तो दोस्तों उस बच्चे में अस्थियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों उस बच्चे में अस्थियों की संख्या होती है भैया 260 से लेकर के 270। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्योंकि दोस्तों कुछ नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा है सिंपल सा कि भैया व्यस्त मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। अगर आपसे पूछे कि भैया नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 300 से अधिक होती है। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि भैया बच्चे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों बच्चे में अस्थियों की संख्या होती है 260 से लेकर के 270। तो दोस्तों अब आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों कि विज्ञान की जिस शाखा में अस्थि का अध्ययन किया जाता है वह है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी।
दोस्तों ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों अस्थियों के बारे में डिटेल में अध्ययन किया जाता है। अगर दोस्तों मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं ऑर्थोलॉजी की, तो दोस्तों आपकी जो अस्थि होती है, आपको पता है अस्थियों से संबंधित दोस्तों बहुत सारे रोग हैं, जैसे कि रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। तो दोस्तों अस्थियों में रोगों के कारणों का अध्ययन, अस्थि में रोगों के कारणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों ऑर्थोलॉजी। और दोस्तों हड्डियों का जो डॉक्टर होता है, यानी कि अस्थि का जो डॉक्टर होता है, अस्थि का डॉक्टर, उस अस्थि के डॉक्टर को कहा जाता है दोस्तों ऑर्थोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। विज्ञान की जिस शाखा में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी, और अस्थियों में रोगों के कारणों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है दोस्तों, अस्थियों में रोगों के कारणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों ऑर्थोलॉजी, और अस्थियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, या फिर मैं कहूँ हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।